आज पायल है। आप सोच रहे होंगे पैरों में पहनने वाली पायल ये हाथ में क्यों है, तो हाँ ये आज मैं ये बताने वाली हूँ, ये जो छन-छन करती खनकती पायल है ये इसके कितने मिरेकल्स हैं, कितने इतने सीक्रेट्स हैं जो मैं आज रिवील करने वाली हूँ, और ये कैसे प्रॉस्पेरिटी लक लाती है, और इसकी ये ऐसे चमचमाती पायल अगर काली हो जाए तो उसको अगेन हम ऐसे सिल्वर सा ऐसे खनखनाती चमकती कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज डू वॉच इट टिल एंड, चलते हैं आगे। क्या आप जानते हैं कि ये खनकती पायल, इसको पहनने से देवियां शक्ति आती है, नेगेटिव एनर्जी को स्टॉपेज लगती है, इसकी सुरीली आवाज से घर में बरकत पड़ती है, प्रॉस्पेरिटी पड़ती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, नेगेटिव एनर्जी जाती है, और हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है कि जब ये सिल्वर, स्पेशली सिल्वर की पायल अगर पैरों से रगड़ती है लेडीज की तो उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। ये वैसे भी सिल्वर का टच अगर बॉडी पे रहता है लेग्स की तरफ एंकल्स की तरफ तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारी कमियां दूर करती हैं, जैसे कि सिल्वर एशेज भी बोला जाता था, सिल्वर की भस्म जो हम पहले जमाने में बोलते थे, या कोई भी ट्रीटमेंट में अभी भी सिल्वर की भस्म यूज होती है। तो सिल्वर की पायल जो है पैरों से रगड़ खाने से आपकी हड्डियां मजबूत करती हैं। और दूसरा, इस पायल को मोस्टली खन खन करके ही पहनना चाहिए, इसमें घुंघरू होने चाहिए, और घुंघरू का भी अपना महत्व है, जो घुंघरू इवन एंड ऑड के तरीके से तो वो लक करते हैं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 23 है तो 3+2 इसका डिजिट 5 है, तो आपकी पायल के घुंघरू का नंबर ऑड होना चाहिए। अगर इसमें इवन है 24 है, 2+4 6 है, तो घुंघरू का टोटल 26 होना चाहिए। खन खन करके ही रखना चाहिए पायल में घुंघरू, कोशिश करो लगातार ही रखो। दूसरा, आपकी ये वाली जो पायल है, अगर आप घर में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हो, अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते हो हस्बैंड के साथ, तो फ्राइडे के दिन हस्बैंड को बोलो पायल खरीदे, आपको दे, आपने महालक्ष्मी जी के आगे एक साटन के कपड़े पे इसको रखना है और श्री सुक्त का पाठ करना है, 15 मिनट के बाद इसको पहन लेना है, बीच में 2-3 बार इसको छन छन करके बजाना है, तो इससे प्रॉस्पेरिटी आती है घर में। एक और बात बहुत अच्छी बात है कि ये अगर कोई अगर लव अफेयर में अगर कोई अपने लव रिलेशंस अच्छा करना चाहता है तो अगर ये पायल 21 दिन तक कोई कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में डुबो कर रखता है और उसके बाद उसको ऐश से चमकाकर अपनी गर्लफ्रेंड को या जिससे वो प्यार करते हैं या जिससे शादी होने वाली है उसके पैरों में पहना देती हैं, तो लव रिलेशंस अच्छे बनते हैं। एक आपको मालूम है जो पायल हमारे ट्रेडिशन में बहुत दी जाती है शादी के टाइम पे, और कोई सगाई होती है तो एक सास अपनी बहू को देती है, एक माँ अपनी बेटी को देती है, मीन्स एक बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड भी इससे, ये एक फैक्ट है कि एक बॉन्ड बनता है, लव बॉन्ड बनता है इन सबके साथ, आपके रिलेशंस स्ट्रांग होते हैं। तो मेरे सपनों में सजना, मैंने पायल है चनकाई, अब तो आजा तू हर जाए, मैंने पायल है चनकाई, अब तो आजा तू हर जाए, मैंने पायल है चनकाई, अब तो आजा तू हर जाए, मैंने पायल है। मुझे रखे कदम मैं इठलाऊं, उसके पैर की पायल हो जाऊं। चलो पायल को जान लिया, खनखनाती पायल क्या कर सकती है, आपकी हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिट, कितनी वैरायटी की आजकल आती है, हसली से लेके सिंपल प्लेन चेन पायल, आजकल नजरिए वाली पायल है, तो कितनी सारी पायलें हैं, चलो आओ चलते हैं देखते हैं। पायल की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे आजकल ये घुंघरू वाली गोल प्लेटेड पायल, सिंगल हसली पायल, इस टाइप की पायल, नजरिया वाली पायल, प्लेन पायल्स, बहुत सारी घुंघरू वाली पायल, ठीक है, सिंगल पायल,
ये बेबीज को भी बच्चों को भी पायल पहनाई जाती है, अच्छा लगता है क्योंकि छोटे बच्चे एक लक्ष्मी का रूप माने जाते हैं तो उनमें छन छन करने से आवाज घर में पॉजिटिव एनर्जी आए इसलिए पहनाई जाती है। और बहुत टाइप की वैरायटीज आती है पायलों में, अब आप देख सकते हैं। चलो अब बात करते हैं पायल को चमकाने की। पायल जो है काली हो जाए तो उसको कैसे चमकाते हैं, लेकिन ये खाली सिल्वर की पायल ही नहीं, आप सिल्वर के कॉइन्स, सिल्वर के बर्तन, अभी दिवाली आ रही है, मूर्तियाँ, सब कुछ आप घर में ही क्लीन अप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक मिराकल एक हमारे पास चीज़ है, सिल्वर डिप जो अवेलेबल है मोदी केयर की, आप सब लोग ले सकते हैं। ये एक ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन है, इसमें सिल्वर का वेट कम नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ इसको कोई भी काली चीज है और इससे आपको पता भी चलता है ये असली सिल्वर है या नहीं, क्योंकि सिल्वर ही क्लीन होगा। आप इसमें डाल के रखो, 10 मिनट्स तक रखो, सोक करो, निकालो, उसको वॉश करो लिक्विड डिटर्जेंट से एंड देन उसको क्लीन करके रख दो, बस आपकी चीज बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगी। एक मैं थोड़ा सा डेमो देना चाहती हूँ, ये बिल्कुल काली सी पायल है, ठीक है, आप इसको मैं एक ये सिल्वर टिप का जो सॉल्यूशन है इसके अंदर मैं इसको डाल रही हूँ, जस्ट मैंने इसके अंदर टिप करके रख दिया, इसको हम 5 मिनट्स तक रख देंगे, इसको बस ऐसे रख देंगे। एक और मेरे पास छोटी सी पायल है, इसको भी मैंने डाल दिया एंड लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड अभी आपके सामने मैंने वो डाली थी, 1-2 मिनट ही अभी तो हुए हैं, दिस इज क्लीन, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और आप इसको वॉश करके लिक्विड डिटर्जेंट में आप बिल्कुल इसको नया कर सकते हैं। मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगी, शायद ये कॉइन्स भी दिख रहे होंगे, बिल्कुल ब्लैक है, सिल्वर के कॉइन्स हैं और इसको मैं डिप में डाल रही हूँ, सी इसमें रखा, इसको वैसे तो 5 मिनट्स करना है, छोड़ देना है, लेकिन मैं अभी क्योंकि वीडियो में बहुत देर नहीं रख सकती, लंबी हो जाएगी, तो जस्ट मैंने किया है एंड नाउ यू सी हाउ इट इज शाइनिंग, दिस इज अ मैजिक मिरेकल। ऑल कॉइन्स देखो बिल्कुल वाइट स्पार्कलिंग सिल्वर बन गए हैं एंड ये प्रूव भी करता है कि ये प्योर सिल्वर के कॉइन्स थे, प्योर सिल्वर के कॉइन्स हैं, जितनी प्योरिटी अच्छी होगी उतनी जल्दी क्विक फास्ट होगा, इसमें कोई वेट लॉस, इसका कोई सिल्वर का वेट लॉस नहीं हो रहा और इसको बाद में आप इसको एज इट इज 5 ईयर्स तक रीयूज कर सकते हो। तो चलिए आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।